नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। शेखपुरा नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी संख्या में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं मौके से एक हथियार की भी बरामदगी की गई है। SDPO ने बताया कि धूरी यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। SDPO अमित शरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को बताया कि पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 120 कार्टून में 420 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही एक मास्केट की भी बरामदगी की गई है। पुलिस के द्वारा बरामद विदेशी शराब 120 कार्टून साथ ही 480 पाउच भी बरामद किया गया है, जिसका कीमत लगभग 50 लाख बताया जा रहा है। इतना लिया हथियार भी पकड़ा है, क्या मामला है? ये पचना गांव में एक धूरी यादव है, पिता स्वर्गीय रामाशीष यादव। तो वहां सूचना थी कि उनके यहां पे घर पे बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है। तो इस सूचना के आलोक में यहां से टाउन थाना और सिरारी ओपी सुम्भा और एसिस्ट थाना प्रभारी के साथ मिलकर रेड किया गया है। तो उसे घर पर मिला है लगभग 120 पेटी और लगभग 400 बोतल देसी शराब का मिला है और एक मस्केट मिला है और इसके साथ गोली मिली थी ना, इसके साथ एक गोली मिली। आगे क्या कार्रवाई किया जा रहा है, चिन्हित भी किया जा रहा है? इसमें क्या है कि अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इनको ये सप्लाई कहाँ से हुआ। गांव के बीच में था, वहाँ ट्रक तो नहीं आ सकता था, पिकअप से लगता है लेके जाया गया होगा। और चूंकि यहाँ का MO ऐसा है कि कोई एक बड़ी मात्रा में ट्रक से लेकर आते हैं एक जगह से और उसके बाद वहाँ से और अन्य जो स्टॉकिस्ट्स होते हैं वो पिकअप से अपना अपना से कल के चले जाते हैं। इस संबंध में भी हम लोग ये कर रहे हैं अनुसंधान की कौन लाया होगा और मतलब किसके यहाँ। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए